नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्रो एशिया चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे पशुपालन प्रश्नोत्तर भाग 4 की। इससे पहले हम 3 भाग पढ़ चुके हैं, वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर वो वीडियो देख लेना। स्पेशली ये जेट ICER और BHU के स्टूडेंट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर देना और वीडियो अंत तक ज़रूर देखना। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से भेड़ की कौन सी नस्ल उदयपुर संभाग में व्यापकता से पाई जाती है? तो जो भेड़ की सोनाड़ी नस्ल है ये उदयपुर संभाग में व्यापकता से पाई जाती है। इनकी सोनाड़ी नस्ल है वो उदयपुर संभाग में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। और जो नाली है ये हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले में पाई जाती है। और जो हनुमानगढ़ में घग्गर नदी बहती है उसके बहाव क्षेत्र को भी नाली कहते हैं। और सोकला है ये शेखावटी प्रदेश में पाई जाती है। और मगरा जो नस्ल है ये बीकानेर क्षेत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट है, बकरी की वह नस्ल जिसके सिर पर सींग नहीं होते हैं। तो जो बकरी की टोगनबर्ग नस्ल है इनके सिर पर सींग नहीं पड़ते, यानी कि इनका जो सिर है सींग रहित होता है। और जो सानेन है इसको क्वीन ऑफ मिल्क या फिर दूध की रानी भी कहते हैं क्योंकि सर्वाधिक दूध देती है। नेक्स्ट है, बकरी के दूध में वसा की मात्रा कितनी प्रतिशत पाई जाती है? तो जो बकरी का दूध होता है उसके अंदर जो वसा की मात्रा होती है वो होती है 4.25%, यानी कि 4.25% है वो बकरी के दूध में वसा की मात्रा होती है। नेक्स्ट है, परजीवियों का म्यूजियम कहलाती हैं। तो जो भेड़ होती हैं उसको परजीवियों का म्यूजियम कहते हैं। नेक्स्ट है, उच्चतम प्रकार की गलीचा ऊन भेड़ की किस नस्ल से प्राप्त होती है? तो उच्चतम प्रकार की गलीचा ऊन है वो सोकला या फिर शेखावटी नस्ल से प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भेड़ का नर पशु कहलाता है। तो जो भेड़ का नर पशु होता है वो कहलाता है रैम। और जो भेड़ मादा भेड़ होती है उसे कहते हैं ईव। और जो डोई है ये कहते हैं मादा बकरी को। और जो सो है ये मादा सुअर को कहते हैं। और इसके अलावा जो बकरी का नर होता है उसे कहते हैं बक कहते हैं। ठीक है, और जो बच्चा होता है भेड़ का छोटा उसे कहते हैं लैम्ब। और जो बकरी का छोटा बच्चा होता है उसे कहते हैं किड। ठीक है, तो भेड़ का नर पशु तो कहलाता है रैम, मादा भेड़ कहलाती है ईव, और बकरी का नर कहलाता है बक, और बकरी की जो मादा होती है वो कहलाती है डोई, और मादा सुअर सो कहलाती हैं, और जो बकरी का छोटा बच्चा होता है उसे किड कहते हैं, भेड़ का छोटा बच्चा होता है उसे लैम्ब कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्रा रोग किस पशु में मुख्यतः होता है? तो जो सर्रा रोग होते हैं वो मुख्यतः ऊँट में होता है और ये प्रोटोजोआ जनित रोग है और इसे तीव्रसा बीमारी भी कहते हैं। क्यों तीव्रसा इसलिए कहते हैं क्योंकि 3 वर्ष तक लगातार चलता रहता है। और इसमें क्या होता है कि जो ऊँट की जो चमड़ी होती है वो सख्त हो जाती है। नेक्स्ट है, NRC फॉर कैमल या फिर कह सकते नेशनल रिसर्च ऑन कैमल ये संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये जो है वो बीकानेर में स्थित है और बीकानेर में भी जोहड़ बीड़ में स्थित है। नेक्स्ट है, ऊँटनी का गर्भकाल कितने दिनों का होता है? तो जो ऊँटनी होती है उसका गर्भकाल 390 से लेकर 410 दिन तक का होता है। नेक्स्ट है, बैक्टीरियन ऊँट में होता है। तो जो कैमेलस बैक्टीरियस जो ऊँट होता है उसके अंदर 2 कुबड़ पाए जाते हैं, एक होता है कैमेलस ड्रोमेडेरियस, उसके अंदर 1 कुबड़ पाया जाता है। और ये 2 कुबड़ वाले ऊँट है वो लद्दाख में पाए जाते हैं। नर ऊँट कितने वर्ष की आयु में परिपक्व हो जाते हैं? तो नर ऊँट होता है वो 5 वर्ष की आयु में परिपक्व हो जाता है। नेक्स्ट है, ऊँट का आमाशय कुल कितने भागों में बटा होता है? तो जो ऊँट होता है उसका आमाशय 3 भागों में बटा होता है। नॉर्मली जो जुगाली करने वाले जंतु होते हैं जैसे गाय हुई या भैंस, इनका जो आमाशय होता है वो 4 भागों में बटा होता है, लेकिन ऊँट का जो आमाशय वो 3 भागों में बटा होता है। नेक्स्ट है, ऊँट की सबसे अच्छी नस्ल कौन सी मानी गई है? तो जो नासना नस्ल है ये जैसलमेर क्षेत्र के आसपास पाई जाती है। ये जो नस्ल है ये ऊँट की सबसे अच्छी नस्ल मानी गई है। और इसके अलावा जो सबसे सुंदर नस्ल है वो बीकानेर को माना गया है। और जैसलमेरी है ये सेना के कार्यों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण मानी गई है। और इसके अलावा जो मेवाड़ी जो नस्ल है ये मेवाड़ क्षेत्र में पाई जाती है और इसके जो नीचे का ऊँट होता है वो गिरा हुआ होता है और ये मंझले कद का ऊँट होता है। नेक्स्ट है, ऊँटनी के दूध में वसा प्रतिशत लगभग होता है?
तो जो ऊँटनी होती हैं उसके दूध में जो वसा प्रतिशत होता है वो होता है 5.38%। ठीक है, सबसे खूबसूरत ऊँट किस नस्ल के होते हैं? तो सबसे खूबसूरत ऊँट है वो बीकानेरी नस्ल के होते हैं। इसके अलावा जो जैसलमेरी ऊँट की नस्ल है ये सेना के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, सेना के जवान इसको काम में लेते हैं, और ये सर्कस के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। सर्कस के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जैसलमेरी ऊँट होता है उसको आसानी से प्रशिक्षित किया जा सकता है, इसलिए वो सर्कस में उपयोगी होते हैं और सेना के कार्यों में भी उपयोगी होते हैं। और जैसलमेरी ऊँट की जो नस्ल होती है वो एक ठंडी रात में लगभग 100 से लेकर 140 किलोमीटर तक है वो तय कर लेती हैं दूरी। ठीक है, और इसके अलावा जो जैसलमेरी ऊँट होता है इसकी जो हाइट होती है वो होती है 7 से लेकर 9 फीट तक होती हैं। ठीक है, 7 से लेकर 9 फीट तक जैसलमेरी ऊँट की हाइट होती है। और जो बीकानेरी ऊँट होता है ये इसकी हाइट होती है 10 से लेकर 12 फीट तक इसकी हाइट होती है, ज़मीन से लेकर थुई तक 10 से 12 फीट तक इसकी हाइट होती है। और इसके अलावा जो जैसलमेरी ऊँट है ये सिंधी और बलूची ऊँटों के संकरण से निर्मित है, सिंधी प्लस बलूची ऊँटों के संकरण से निर्मित है। ठीक है, और जो जैसलमेरी ऊँट होता है इसका जो सिर होता है ना जहाँ पे आगे ख़त्म होता है इसका खोपड़ी, वहाँ पे एक गड्ढा पाया जाता है जिसे स्टॉप कहते हैं, और ये स्टॉप है वो बाकी वाली नस्लों में नहीं पाया जाता है और ये सिर्फ बीकानेरी में पाया जाता है, इस कारण ये काफ़ी मतलब खूबसूरत दिखता है ये। और जो मेवाड़ी ऊँट है ये मंजले कद का होता है, यानी कि बीकानेरी और जैसलमेरी ऊँट के मध्य की इसकी हाइट होती है। नेक्स्ट है भेड़ बकरी गाय व भैंस के मुंह में दांतों की कुल संख्या कितनी होती है? तो इनके जो मुंह में दांतों की संख्या होती है वो होती है 32, यानी कि 32 दांत पाए जाते हैं भेड़ बकरी गाय व भैंस के मुंह में। नेक्स्ट है पशुओं की आयु गणना की जाती है, तो जो पशु होते हैं उनकी आयु की गणना है वो पशुओं की दांत देकर की जाती है। इसके अलावा है वो सींग पर बने छलों से भी है वो इनकी उम्र ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण और ऑथेंटिक विधि वो है दांत को संख्या दे के वो करना। और जैसे सींग होते हैं कुछ पशुओं की सींग आते ही नहीं है तो उनकी जो आयु की गणना है वो दांत देकर की जाती है, और जिन पशुओं के सींग आते हैं उनके सींग पर जो छल्ले बनते हैं वो उन छल्लों को देख कर है उनकी आयु की गणना की जाती है। 3 वर्ष बाद में एक छल्ला बनता है। ऊँट अपने शरीर के भार का कितना प्रतिशत वजन घटा सकते हैं? तो जो ऊँट होता है वो अपने शरीर भार का 30% तक है वो वजन घटा सकता है। अगर कोई ऊँट है वो 100 kg का है, माना कि उदाहरण दे रहा हूँ 100 kg का है, तो अपना वजन 30% तक घटा के 70 kg तक का हो सकता है, इनकी अपने शरीर का 30% वजन घटा सकता है। नेक्स्ट है बछड़ों बछड़े कोई भी मतलब गाय और भैंस का दोनों का बछड़ा में सभी अस्थायी दांत किस उम्र में निकल आते हैं? तो जो 28 दिन की उम्र में है वो बछड़ों में गाय भैंस में सभी अस्थायी दांत निकल आते हैं। नेक्स्ट है कील दंत किस पशु में पाए जाते हैं? तो जो कील दंत होते हैं जो काटने योग्य होते हैं मतलब, तो वो दांत पाए जाते हैं सुअर कुत्ता और बिल्ली तीनों में भी पाए जाते हैं, उपरोक्त सभी में कील दंत पाए जाते हैं। और जो गाय भैंस भेड़ बकरी होती है इनमें ये कील दंत नहीं पाए जाते हैं। ऊँट की वह नस्ल जिसमें पशु की थूथन लटकी हुई रहती है, तो जो मेवाड़ी नस्ल है इसमें पशु की नस्ल है वो मेवाड़ी ऊँट की जो नस्ल है उसमें थूथन है वो लटकी हुई होती हैं। सर्वाधिक अंडा देने वाली मुर्गी की नस्ल कौन सी है? तो जो सर्वाधिक अंडा देने वाली मुर्गी की जो नस्ल है वो है वाइट लेग हॉर्न। जो वाइट लेग हॉर्न है इसका जो उत्पत्ति स्थान है वो है इटली, और ये 240 अंडे है वो प्रतिवर्ष तक दे देती हैं। प्रतिवर्ष 240 अंडे ये वाइट लेग हॉर्न दे देती हैं और इसका उत्पत्ति स्थान इटली है। ठीक है, और इसके अलावा जो असील है ये जो मुर्गों की जो लड़ाई होती है उनके लिए वो फेमस हैं और ये यूपी में पाई जाती हैं असील मुर्गी की नस्ल। और जो रेड कॉर्निश है ये अमेरिका में पाई जाती हैं, और जो कड़कनाथ मुर्गी है इसका जो मांस होता है और शरीर का रंग दोनों का ही काला होता है। नेक्स्ट है मुर्गी किस उम्र में अंडे देना शुरू कर देती हैं? तो जो मुर्गी होती हैं वो 20 से 22 सप्ताह तक है वो अंडे देना शुरू कर देती हैं। मुर्गी के संपूर्ण अंडे में वसा प्रतिशत होता है, तो जो मुर्गी का जो संपूर्ण अंडा होता है उसके अंदर जो वसा प्रतिशत होता है वो होता है 11% तक है वो वसा पाई जाती है मुर्गी के अंडे में।
नेक्स्ट है, वर्तमान में मुर्गियों में फैलने वाला सबसे भयंकर रोग है, तो जो वर्तमान में जो मुर्गियों में सबसे ज़्यादा फैलने वाला जो भयंकर रोग है वो है बर्ड फ्लू। इसके अलावा जो रानीखेत है, फाउल पॉक्स है, गुम्बेरो, ये सारे सारे मुर्गियों में पाए जाते हैं। शायद तक मैं बोल रहा हूँ, ये जो गुम्बेरो रोग है ये पूछा गया था WHO के एग्ज़ाम में, WHO 2018 में हुआ था, अप्रैल 2018 में उसमें ये गुम्बेरो रोग पूछा गया था। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो जो केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान है वो इज्जत नगर UP में स्थित है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। इज्जत नगर है वो उत्तर प्रदेश में, और इज्जत नगर में केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान स्थित है। नेक्स्ट है, मुर्गियों में अधिकतर रोग मतलब किस जनित होते हैं, वायरस जनित होते हैं या फिर जीवाणु, इनसे कौन से होते हैं जो सबसे ज़्यादा रोग फैलाते हैं मुर्गियों के अंदर, तो जो मुर्गियों में अधिकतर रोग होते हैं वो विषाणु जनित होते हैं। ठीक है, मुर्गी में सेचक रोग का कारण है, तो मुर्गी में जो सेचक रोग का कारण है वो विषाणु ही है, अभी बताया था कि मुर्गी में अधिकतर रोग विषाणु जनित होते हैं। इसके अलावा एक कॉक्सीडियोसिस होता है, वो प्रोटोजोआ जनित रोग होता है मुर्गी के अंदर। नेक्स्ट है, अंडा देने वाली मुर्गियों को प्रतिदिन कितने घंटे प्रकाश की आवश्यकता होती है, तो जो अंडा देने वाली मुर्गियाँ होती हैं उनको प्रतिदिन जो प्रकाश की आवश्यकता होती हैं वो होती हैं आपके 14 से लेकर 16 घंटे तक है, उनको प्रतिदिन प्रकाश की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, मुर्गी की प्लाउमाउथ रोग नस्ल है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो जो प्लाउमाउथ रोग जो मुर्गी है उसका मुख्य उद्देश्य अंडा और मांस दोनों है। ठीक है, नेक्स्ट है, मांस उत्पादन हेतु पाली जाने वाली मुर्गियों को क्या कहते हैं, तो जो मांस उत्पादन हेतु पाली जाने वाली मुर्गियां होती हैं उनको कहते हैं ब्रॉयलर। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये पसंद आए तो लाइक भी कर देना, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और इसके अलावा आप PDF डाउनलोड करने के लिए भी नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन दिए गए लिंक पर जाके वो PDF डाउनलोड कर सकते हो।